हाई गुड इवनिंग टू ऑल माई व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड यू आर वॉचिंग क्रिकेट मेडन. सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे सारे क्रिकेट न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में. के एल राहुल को क्या एक्विजिशन मिल गई है, ईशान किशन जो हैं उनको क्या ईमेल पहुंची है बीसीसीआई की तरफ से, सारे जो मैचेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, उनका स्कोर अपडेट क्या है, एंड किस क्रिकेटर की डेथ हो गई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में बताऊंगी. तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो वीडियो को देखते हैं सारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के में, फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के ग्रुप में ये वीडियो शेयर करेंगे एंड सबको बोलेंगे कि आप हमारा फेवरेट चैनल जो है क्रिकेट चैनल उसको सब्सक्राइब करिए. तो भाई सबसे पहले जो है हम क्रिकेट न्यूज के साथ शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे जो ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर है, 1952 में उन्होंने डेब्यू किया था अगेंस्ट इंग्लैंड, इंडिया के इंटरनेशनल क्रिकेटर से सबसे ज्यादा वो उम्र थे, 95 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई है. तो उनका नाम था दत्ता राव जी कृष्णा राव जी गायकवाड़. तो दत्ता राव जी कृष्णा राव जी गायकवाड़ जो हैं उनकी आज 13 फरवरी डेथ हो गई है. उनका जो बर्थ हुआ था 1929 में हुआ था, बरोड़ा की तरफ वो खेलते थे. फॉर्मर इंडिया के टेस्ट कैप्टन थे, टेस्ट प्लेयर थे, राइट आर्म मीडियम लेग ब्रेक वो बॉलिंग करते थे, राइट आर्म वो बैटिंग करते थे. 11 टेस्ट में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एंड फ्रॉम 1952 टू 1961 वो खेलते थे. लास्ट टेस्ट उन्होंने 1961 में खेला था. तो भाई वी पे रिस्पेक्ट टू दत्ता राव जी फॉर यू नो बीइंग द ओल्डेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर अलाइव, एंड उनकी आज के दिन जो है डेथ हो गई है. तो हम उनके फैमिली के साथ और उनके फ्रेंड्स के साथ और सारे जानने वालों के साथ खूब अपनी सिंपथी रखते हैं. न्यूज़ ये है दैट यू नो ही पास्ड अवे पीसफुली, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, 95 की उनकी उम्र थी, एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट. तो दत्ता जी के यू नो ही वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जली टूवर्ड्स बरोड़ा क्रिकेट. काफ़ी यंग टैलेंट को वो स्काउट करते थे और लेके आते थे, ऊपर लेके आते थे. ही वॉज वेरी वेल रिस्पेक्टेड, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट तो होगी, फॉर्मर इंडिया कैप्टन थे, ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर थे. तो उनकी बहुत ज़्यादा क्रिकेटिंग कम्युनिटीज में एंड इंडिया में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी. सो वी पे आर रिगार्ड्स एंड wishes to Dutta Rao ji's family and you know wherever he is, however his soul is, may he rest in peace. To bhai that is a very sad news with our viewers, I wanted to share sabse pehle. So iske baad jo hai Ishan Kishan ji ko ek email pahunch gayi hai. In fact bahut sare jo cricketers hain jo national duty pe nahi hai and jo NCA ke sath abhi attached nahi hai unko ek email gayi hai Monday ko you know BCCI ki taraf se ki agar aap jo hai NCA mein you know आपकी रिकवरी नहीं चल रही है और अगर आप अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं है तो आप सीधा 16 फरवरी को जो जाएंगे और वो अपना रणजी, अपने स्टेट के लिए अपनी रणजी ट्रॉफी गेम खेलेंगे. तो स्पेसिफिकली ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, कृणाल पांड्या, दीपक चहर, ऐसे प्लेयर्स जो है जो अब आईपीएल की प्रैक्टिस में लग गए हैं, अपने फ्रेंचाइजीज के साथ मिलकर उनकी प्लानिंग में लग गए हैं. श्रेयस अय्यर जिनकी फॉर्म की वजह से उनको ड्रॉप कर दिया इंटरनेशनल टीम में, तो उन लोगों को लिए स्पेसिफिक लिए ईमेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपनी नेशनल ड्यूटी को पीछे करके अपना यू नो आईपीएल की तैयारी करने में रखते हैं. तो बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है, फॉर्मली ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया है. अब ये सारे जो प्लेयर्स हैं हमें 16 फरवरी को दिखेंगे. ईशान किशन हमें झारखंड को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी रणजी टीम के लिए खेलते हुए दिखेंगे एंड वो बरोड़ा में जो बैठ के हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे आईपीएल के लिए, तो वो वाला ड्रामा जो है उनका खत्म हो जाएगा थैंकफुली. तो भाई बहुत अच्छा ये स्टेप है और अगर कोई मैंडेट नहीं मानता है बीसीसीआई का, फिर बीसीसीआई क्या स्टेप लेती है ये देखना पड़ेगा. So this is very very good from BCCI's end and email में formally you know communicate किया, ये और भी अच्छी बात है because अगर कोई players हैं वो मानते नहीं हैं, फिर आपने written में उनको दे दिया, अब आप written में उन पर action भी ले सकते हैं. So very well done BCCI, we completely support you in this decision. इसके अलावा जो है काफ़ी matches चल रहे हैं. आज सुबह 3:30 बजे न्यूजीलैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका था, तो भाई दोबारा से ऐसे लग रहा था कि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को पकड़ लिया है. काफी जल्दी विकेट्स जो है थर 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 गिर रही थी, बट एंड में जो है साउथ अफ्रीका ने थोड़ा पुल बैक किया है. तो उनका प्लेयर है रुआन डी स्वॉट, तो वो अभी 55 नॉट आउट पे खेल रहे हैं, तो उन पे देखा जाएगा. टोटल स्कोर जो अभी 220 for 6 हुआ है, तो लेट्स सी लास्ट के 4 विकेट्स जो है वो कल सुबह 3:30 बजे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग अगर 300 तक एक स्कोर लेके जा सकते हैं या नहीं. तो रचिन रविंद्रा ने
बहुत अच्छी बोलिंग की है, 3 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, 8 मेडन थ्रो किए हैं, 21 ओवर्स ही हैज बोल्ड एंड ही हैज गिवन अवे ओनली 33 रन्स एंड टेकन यू नो 3 विकेट्स. तो वेरी वेल डन रचिन रविंद्रा. कभी आप बैट से यू नो 200 मार देते हैं, कभी आप बॉलिंग से विकेट्स ले लेते हैं, तो आप तो बहुत ही स्पेक्टेक्युलर यू नो प्लेयर बनते जा रहे हैं, न्यूजीलैंड के लिए क्लच प्लेयर बनते जा रहे हैं, एंड ये बहुत बहुत अच्छी बात है. सो वेल डन रचिन रविंद्रा. बट लेट्स सी अगर साउथ अफ्रीका ऑन द पाथ ऑफ अगर जो रिकवरी है वो यू नो 300 तक किसी तरह ये यू नो स्कोर को पुश कर पाता है या नहीं. तो भाई अभी एक और मैच चल रहा है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज, काफी एक्साइटिंग चल रहा है. वेस्ट इंडीज जो है वो ऑप्टेड टू बैट, दे वन द टॉस, दे ऑप्टेड टू बैट. शुरू में काफी 3 विकेट्स फट से गिर गए थे उनके, एंड अभी जो है 6.3 ओवर्स में, जब तक मैंने वीडियो शूट की थी 6.3 ओवर्स में 57/3 है वो अभी जो है. सो भाई जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तो शायद मुझे लग रहा है कि उनकी एक इनिंग्स तो खत्म हो ही जाएगी. बट करंटली जो है रोमन पावल खेल रहे हैं 6 रन इन 6 बॉल्स एंड रॉस्टन चेज खेल रहे हैं 35 रन इन 17 बॉल्स. तो ये करंट सिचुएशन है, बट ऑब्वियसली जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आपका ये स्कोर अपडेटेड होगा, एंड उसमें शायद जो है मे बी फर्स्ट इनिंग्स जो है वो खत्म हो चुकी होगी. तो भाई इसके अलावा इब्राहिम जादरान जो है वो कंटिन्यू करेंगे अफगानिस्तान के एज अ कैप्टन. उन्होंने एक फिटनेस एंड कंडीशनिंग कोच भी अपॉइंट किया है जो 23 फरवरी से टीम को ज्वाइन कर लेगा आयरलैंड की सीरीज के लिए. तो अफगानिस्तान सारे राइट स्टेप्स ले रहा है T20 वर्ल्ड कप के पहले. सो भाई दे आर गोइंग टू बी अ गुड टीम टू कंटेंड विद. इसके अलावा शांटो जो है उनको अपॉइंट कर दिया गया है ऑल जो फॉर्मैट्स का कैप्टन है फॉर बांग्लादेश. तो वेल डन शांटो, आपको बहुत बहुत मुबारक है. तमीम इकबाल ने खुद एग्जिट ले लिया है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेंगे BCB के तरफ से. तो भाई ये दूसरी अपडेट है जो बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ से हमें आ रही है. इसके अलावा जो है KL राहुल पे कुछ उंगलियां उठ रही हैं दैट यू नो उन्होंने कुछ वीडियोस डाली थी 2 दिन पहले जिसमें वो नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहे थे. तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि मिसलीडिंग वीडियोस थी, गुमराह करने के लिए वीडियोस थी कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं खेलने के लिए अवेलेबल हूँ और यू नो ऐसा. तो ऐसी एक्यूजेशंस उन पर आ रही हैं कि भाई ये करना बहुत गलत था और यू नो सोशल मीडिया में उन्होंने वो वीडियोज़ पोस्ट की थी ये दिखाने के लिए मैं फिट हूँ, पर अल्टीमेटली वो फिट नहीं है. BCCI ने डिक्लेयर किया है कि वो 90% मैच फिटनेस है, अभी उनकी 100% नहीं है. तो उन पे काफी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है एंड यू नो ये वीडियोस डाल के कुछ गलती की है. ये मुझे कुछ काफी फिशी सा लग रहा है. इवन इफ यू नो प्लेयर उतना फिट नहीं है, 100% फिट नहीं है, फिर भी वो अपनी वीडियोस अगर डाल रहा है तो इसमें सिर्फ KL राहुल नहीं डाल रहे, इसमें तो हमारे हार्दिक पांड्या भी जो है वो इस तरीके की हरकतें करते हैं. अभी भी वो NCA के साथ रजिस्टर्ड है, उनकी रिकवरी प्रोसेस चल रही है, पता नहीं उनकी यू नो 365 डेज तो रिकवरी चलती रहती है, बट वो भी अपनी प्रैक्टिस की वीडियोस डाल रहे हैं, वो भी अपने यू नो बोलिंग जिमिंग सारी वीडियोस डालते हैं. तो या तो BCCI कुछ रूल्स निकाल दे कि यू नो प्लेयर को वीडियो डालने का परमिशन ही नहीं है, तो फिर ना हार्दिक पांड्या डाल सकते हैं ना KL राहुल डाल सकते हैं. लेकिन अगर KL राहुल ने डाली है कुछ नेट प्रैक्टिस करती हुई वीडियोस, उस पर अगर ऑब्जेक्शन उठ रही है तो ये मुझे काफी अनफेयर सा लग रहा है कि एक प्लेयर के साथ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो एंड दूसरा प्लेयर जो है रोज के रोज एक नई नई वीडियो डालता है. तो भाई जो रूल्स KL राहुल पे अप्लाई करते हैं वही रूल्स जो हैं यू नो हार्दिक पांड्या पे, ईशान किशन पे, ऐसे लोगों पे भी अप्लाई करने चाहिए. सो यू नो BCCI शुड टेक वन स्टांस ऑन अ प्लेयर कि भाई सोशल मीडिया पे क्या चीजें डालना अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, और अगर सब कुछ अलाउड है फिर किसी एक प्लेयर के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आनी भी नहीं चाहिए. सो आई थिंक दैट इज नॉट रियली फेयर ऑन KL राहुल कि उनको एक्यूजेशन के लिए या किसी चीज के लिए ब्लेम किया जा रहा है, एक्यूजेशन लगाई जा रही है. मिसलीडिंग द पब्लिक एंड मिसलीडिंग एवरीवन दैट आई एम मैच फिट. तो भाई एज वी ऑल नो KL राहुल जो है वो बाहर हो गए हैं. हमने काफ़ी लाइव सेशन में अपने जो हम रात को 10 बजे करते हैं उसमें हमने काफ़ी कल डिस्कशन की कि KL राहुल हो गए हैं बाहर, जडेजा मोस्ट लाइकली अंदर आ जाएंगे राजकोट के टेस्ट में, एंड यू नो सरफराज एंड जुरेल को डेब्यू का चांस मिल सकता है, दैट इज़ गुड न्यूज़. एंड KS भरत जो है उनका टाटा बाय बाय हो गया है मोस्ट लाइकली, एंड वो जो है वो बाहर बैठेंगे. तो मुकेश भी है वो भी शायद बाहर जाएंगे, एंड देन सिराज जो है
हैं वो अंदर आएंगे। तो चार चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस यू नो मैच में, एंड ये चार चेंजेस यू नो पिछले मैच से, तो ये चार चेंजेस अगर होते हैं वी विल फाइंड, तीन तो पक्का ही होंगे बट अगर सरफराज की काफ़ी स्ट्रांग जो खबरें आ रही हैं, अगर उनका डेब्यू होता है तो यू नो आई बिलीव चार चेंजेस हो सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। तो दत्ता जी राव के लिए हम प्रे करते हुए, सारे व्यूअर्स प्रे करते हुए हम ये वीडियो को क्लोज करेंगे। आई होप यू नो वेर एवर ही इज इन पीस, एंड थैंक यू फॉर बींग द सर्वेंट ऑफ क्रिकेट फॉर सो मेनी ईयर्स। 1929 से 2024 तक उनका लाइफ थी, एंड यू नो 95 ईयर्स के थे वो, एंड ही वॉज द लॉन्गेस्ट लिविंग इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर एंड अ फॉर्मर कैप्टन। So that is it for this video. So all of you guys, please like the video, please subscribe to the channel, and jo mere regular viewers hai wo is video ko niche jaake share ka button press karenge, seedha apne WhatsApp mein jayenge, and at least two groups, ek family group और एक फ्रेंड्स के ग्रुप में ये जरूर शेयर करेंगे, और ये नीचे लिखेंगे भाई ये हमारा चैनल है, ये मेरा चैनल है, मैं इस चैनल पे रोज जाता हूं, मैं बातें करता हूं, मैं अपने क्रिकेट के व्यूज शेयर करता हूं, तो आप लोग भी ये चैनल सब्सक्राइब करिए। तो ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का भी चैनल है, तो आप लोगों का फर्ज बनता है, एंड आप लोगों की थोड़ी सी मेरे साथ लॉयल्टी बनती है, दैट आप ये चैनल जो है जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि हमारे सब्सक्राइबर कुछ फटाफट बढ़ जाए। सो एनीवे थैंक यू सो मच for watching, and I hope you have a great day today. शाम को हम मिलेंगे अपने regular time पे 10 बजे में आने की कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा जल्दी आ जाऊं, and सारे हम आपके messages लेंगे, आपके opinions लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, and जो भी cricket दुनिया में हो रहा है वो भी discuss करेंगे। कुछ आजकल हमारे Australia से viewers आने शुरू हो गए हैं, तो भाई we have to be on top of our game, and उन्हें भी हमें welcome करना है। तो भाई thank you so much for watching, take care and have a great day today.